महोदय 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में रहे कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी, और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसएक में कार्रवाई की गई, और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है।